अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। एक खौफनाक अफसोसनाक खबर है कि हमारे इलाके में जो है रोत को ही के सैलाब की वजह से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आप लोग यहाँ से अभी निकलने की कोई जल्दी करें, यहाँ से निकल जाएँ, क्योंकि यहाँ पर पानी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। पहले जितना भी आता रहा है हमारा इलाका सेफ रहता, हमारा जो एरिया है, इलाका है रेतड़ा, वो सेफ रहा था। लेकिन अभी ये आप पीछे पानी देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुका है। कहा यही जा रहा है, कोशिश है, दो तीन जगहों पे जो ड्रेन थी वो टूटी जा रही थी, लेकिन वहाँ से अभी बंद बांध दिए गए हैं पूरे इलाके के जितने भी नौजवान थे सारे साथ मिल के। लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। रात का टाइम है, अभी ऐलान हुआ है मस्जिदों में भी और पूरे इलाके में भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी और रेस्क्यू की तरफ से भी हाई अलर्ट जारी हुआ है कि आप जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश करें। लेकिन अभी सूरत हाल सुबह से कुछ बेहतर नज़र आ रही है, क्योंकि हमें रात तो कोई बड़ा ख्याल भी नहीं था कि इस साइड पे भी पानी आ सकता है। लेकिन जैसे सुबह उठे तो बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ था और ड्रेन भर चुकी थी, टूटने का ख़तरा था। इस वजह से बहुत जल्दी लोग पहुँच चुके थे यहाँ पर। अभी दूसरी साइड ड्रेन है उसको काट दिया गया है। ये ड्रेन है रोतकोही का, पानी जितना भी होता है पहाड़ों से निकल के यहाँ पे आता है और इस यहाँ से सीधा दरिया में। लेकिन अभी पानी इस बहाव से आया कि वो दरिया से पहले यहाँ से ड्रेन को काट के इलाकों में दाखिल हो जाए। तकरीबन अभी इस वक्त डेरा गाजी खान का मुकम्मल मैं आपको बताऊँ तो 1500 से 1000 बस्तियाँ जो है वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं सूरत हाल देखने के लिए, मैं आपको आगाह करता हूँ वहाँ पे पहुँच के। हम इस वक्त मौजूद हैं ड्रेन पे और ड्रेन बनाई इसलिए जाती है, ये नहर की तरह का एक नहर होती है वो इसलिए बनाई जाती है ताकि रोतकोही का जितना भी पानी होता है सैलाब वो वहाँ से निकलता हुआ सीधा दरिया में जाए। लेकिन अभी पानी का बहाव इतना था कि कटाव करके उसके दूसरी साइड पर चला गया है और वहाँ पर बहुत सारी बस्तियाँ जो हैं वो भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं। लेकिन वहाँ के लोग ज़ेरे आब आने से पहले ही नकल मकानी करके महफूज मकामात पर पहुँच चुके थे। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि पूरा का पूरा जनूबी पंजाब ऐसे समझ लें कि इस रोतकोही के ज़द में आ चुका है, सैलाब की ज़द में आ चुका है। लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई भी कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं आई और सैलाब जदगान के लिए कोई भी पॉजिटिव एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। ये अभी इस तरह की जगहों से पानी जो है वो कटाव करके इस ड्रेन के अंदर से बिल्कुल जा रहा है, इसके पगड़ी के अंदर से, और ये थोड़ा थोड़ा कटाव ये नुकसान का बायस बनता है। और इसी कटाव के लिए ये अभी मस्जिदों में ऐलान किया गया सारे नौजवान इकट्ठे हो जाएं और इसको बंद करें। यहाँ ये इस जगह से अभी तक भी नहीं ख़त्म हो पाई, काफ़ी हद तक पानी कम हो गया है लेकिन अभी मुकम्मल बंद नहीं हुई। जी हाँ, ना फेसबुक पे हैं। वर्ल्ड मासरा जिंदाबाद, सोख गई है। खुल गया केरी वाला, खुल गया उंगली सील लेने की ना फुल टाइम ठीक है। उस जगह वाले फिर से बहुत ज्यादा निकल आई है। सही नहीं है तो पाओ तेरी जीत हम लोग बड़ा पे आवे ओए छोरो मट्टा नहीं क्या बा मट्टा ठीक है हां नहीं मैं ये डोगा दे रही हूं रे मट्टी ने सुराख नहीं पासनी बने बेहतर 15 लगे हुए। काफ़ी रात हो गई है लेकिन काम अभी तक भी जारी है क्योंकि अभी तक मुकम्मल हम उन रोडों को जो है बंद नहीं कर सके।
आप सबसे दुआ की अपील है बस।